नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पास डॉक्टर सोनिया चंदानी मैम हैं, जो कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और पिछले 30 साल से वो सूरत सिटी में बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। भले वो सूरत सिटी में हैं, लेकिन उनके पेशेंट्स ऑल ओवर इंडिया हैं। दूर दूर से कई पेशेंट उनके पास आते हैं वजाइनल रिपेयर के लिए, जो कि वजाइना टेयर हो जाता है उनका चाइल्ड बर्थ के टाइम, और उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्लेजर नहीं मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक 40 ईयर्स की फीमेल, जो कि दो बार जिसकी शादी हो चुकी थी पर वजाइना ना होने के वजह से उसकी कोई सेक्सुअल लाइफ नहीं थी और जिसके वजह से वो बहुत सफ़र कर रही थी, उसको एक न्यू वजाइना क्रिएट करके दिया। शी इज़ हैप्पीली मैरिड इन बंगाल नाउ एंड शी इज़ फॉर एवर थैंकफुल टू हर। इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस सॉल्व करने वाले डॉक्टर सोनिया चंदानी मैम हमारे साथ हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर सर्जन, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह वजाइना का सही ध्यान रखें और किस तरह उनके इश्यूज़ को समझें और टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करके उनका सल्यूशन पाएं। मैम, तो वजाइना की स्पेशलिटी क्या है? मतलब इज़ इट लाइक इंटरनल ऑर्गन्स और इज़ इट लाइक एक्सटर्नल ऑर्गन्स? वो स्किन की तरह ज़्यादा है या जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारे यूट्रस हैं, उनकी तरह ज़्यादा है? वजाइना दोनों ही है जी। ये अक्सर स्त्रियां ऐसा समझती हैं कि ये कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नहीं है, क्योंकि सोनोग्राफी भी जब भी होता है तो यूट्रस और ओवरीज की ही बात होती है, वजाइना के बारे में उतना कुछ बताया नहीं जाता। और बाहर से जब हम क्लीन करते हैं तो हमें स्किन पार्ट्स फील होते हैं, लेकिन ये जो बीच का पार्ट है ये हॉर्मोन सेंसिटिव भी है हमारे यूट्रस और ओवरीज की तरह, साथ ही साथ ये स्किन से अंदर जाता है तो इसमें स्किन वाले भी पूरे लेयर्स होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर योनि मार्ग हमको स्त्रियों को परमात्मा ने दिया हुआ है, तो हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से संभालना भी आना चाहिए। तो मैम, इसमें क्या इश्यूज होते हैं जनरली? क्या इश्यूज आप डे टू डे बेसिस पे देखते हैं? कि कई बार आई थिंक लोग आते किसी और इशू के लिए होते होंगे और फिर भी आप डायग्नोस करते हैं कि उनको ये भी प्रॉब्लम है। ऑन अ जनरल बेसिस, व्हाट आर द केसेस यू फेस? अभी हम जो बात करेंगे वो हम केवल वजाइना के बारे में ही बात करेंगे। कई बार लेडीज़ आते हैं कि उनको इंटरनल रिलेशंस रखने में पेन होता है, तो वजाइना में कई बार बड़ी बड़ी सिस्ट होती हैं जो कि रास्ते में रुकावट बन रही होती हैं। कई बार उनको वहाँ छाले, घाव, अल्सर्स या ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं वजाइनल लेयर में, क्योंकि वो लेयर काफ़ी बदल चुकी होती है, उसका पीएच बदल गया होता है, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं। कई बार उन्होंने कोई क्रीम्स यूज़ किए होते हैं ल्यूब्रिकेशन के लिए जो उनको सूट नहीं होते, और कई बार उनका साइज़ जो है वो बहुत ढीला या बहुत टाइट होता है उनके मेल पार्टनर के हिसाब से। चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ऐसी बहुत सारी चेंजेस हमारे अंदर आ जाती हैं। तो पीएच, इन्फेक्शन, हार्मोन सेंसिटिव चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं, और हमें एवरी ईयर डॉक्टर के पास इंटरनल चेकअप, खास करके वजाइना का, करा लेना चाहिए। मैम, वजाइना का रेगुलर चेकअप में क्या होता है, वो कितने फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहिए? जैसे कि आपने कहा अभी साल में एक बार, और उसमें क्या क्या चेकअप होता है? क्या वो फिज़िकली एग्जामिनेशन होता है या कोई टेस्ट भी होते हैं? मैम, दो तरह की चीज़ें हम करते हैं। एक तो हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं, पीरियड्स ख़त्म होने के बाद वाला टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय हमारे हॉर्मोन्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल फेज़ में होते हैं, और हमारे पास एक वजाइनोस्कोप करके इंस्ट्रूमेंट होता है, वो टेलीस्कोप की तरह ही होता है, दूरबीन से हम पूरे के पूरे वजाइना को अच्छी तरह जाँच कर उसे समझ सकते हैं, और उसमें अगर कोई इन्फेक्शन दिखे तो उसका कल्चर टेस्ट भी हम लेबोरेटरी में भेजते हैं, और जो भी डिस्चार्ज होता है उसे हम हार्मोन टेस्ट के लिए भी भेज सकते हैं। अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो स्पर्म काउंट कितना है, उसका क्या असर हो रहा है फर्टिलिटी पे, पुरुष तत्व, स्त्री तत्व, इसकी भी जांच उस टेस्ट में हो सकती है। थैंक यू मैम फॉर टेलिंग अस दैट। तो ये मैम, कई बार लोगों को सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं एंड दे फील शाई, समटाइम्स उनको पता भी नहीं होता है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, एंड दे थिंक दैट उनकी एक्सपेक्टेशंस आर नॉट राइट। तो क्या आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड, वजाइना से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं और उनका सल्यूशन किस तरह से हो सकता है? मैम, संभोग के समय अगर आपको प्लेजर नहीं, दर्द महसूस होता है तो ज़रूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है।
इंटरकोर्स के बाद कई बार थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग या बदबू वाला डिस्चार्ज यानी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है तो भी ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी असामान्य डिस्चार्ज जिसमें खुजली, जलन या साथ में यूरिन इन्फेक्शन होता है तो भी डॉक्टर को ज़रूर हमें कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपकी पैंटी का कलर कुछ ही दिनों में बदल जाता है, अगर आप नई पैंटी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि इन्फेक्शन या पीएच का बदलाव कई बार इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। थैंक यू मैम। वजाइनल बर्थ के बाद नेचुरली वजाइना की जो टिश्यूज़ हैं वो लूजन अप हो जाते हैं, तो कई लोगों को उसके बाद ऐसी नीड फील होती है कि दे नीड टू एनहेंस देयर सेक्सुअल प्लेजर लाइफ, एंड उसके लिए क्या किया जा सकता है? वजाइनोप्लास्टी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में व्यूअर्स को बताएंगे मैम? वजाइनोप्लास्टी की ज़रूरत हर उस महिला को हो सकती है जिसका साइज बहुत छोटा या बहुत लूज हो गया हो। बहुत छोटा होने पर हम न्यू वजाइना क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत लूज़ या टॉर्न वजाइना होने पर हम उसे रिपेयर करके नॉर्मल साइज़ में ला सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम उन्हें लोकल क्रीम्स के एप्लीकेशन के लिए और लेज़र ट्रीटमेंट की भी सलाह देते हैं। ये हम लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर करते हैं। तो हम एज अ सर्जन जो टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं उसकी फर्दर केयर हमारा कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट यानी डॉक्टर सुमन करते हैं। मैम, क्या वजाइनोप्लास्टी कराना सेहत के लिए या वजाइनल हेल्थ के लिए किसी तरह रिस्की है? ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर होता है, और इसके बाद में आने वाले परिणाम इतने अच्छे होते हैं कि जिन लोगों ने भी कराया उन्होंने कम से कम हमें 5 रेफरेंसेस और दिए, ना केवल सूरत, ना केवल गुजरात, बल्कि दूर दूर देशों से भी, बिकॉज़ ये बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। तो लेडीज़ अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से जब डिस्कस करते हैं और रिजल्ट्स बहुत सुंदर और सेफ़ होते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, और अपने और मेम्बर्स और फ्रेंड्स को वो लोग हमारे पास रेगुलरली रेफ़र करते हैं। देखिए, ये आपका एक नॉर्मल राइट है एज अ ह्यूमन कि आप जो चीज़ प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ हैं उसमें उस तरह का फील करें। तो पहली बात तो ये कि किसी तरह की शर्म फील करने की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको इस तरह के कोई भी कंसर्न है तो डॉक्टर इज़ द राइट पर्सन जिसके पास आप जाके ये कंसर्न डिस्कस कर सकते हैं, और वो आपको अच्छी उस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। मैम, ये वजाइना के बारे में टॉपिक है, लेकिन मैं इसके साथ ही पूछना चाहूँगी कि कई बार मार्केट में प्रमोशंस देखते हैं हम कि ये क्रीम लगा लो या ये क्रीम लगा लो, लोशन लगा लो और इससे वजाइना टाइट हो जाएगा या ब्रेस्ट टाइट हो जाएंगे। डू यू थिंक दे आर वर्किंग एंड इज इट सेफ टू यूज़ दोज प्रोडक्ट्स? ऐसा हो सकता है? Until your doctor guides, please don't use such creams, because मैंने अभी recently इस हफ्ते में ऐसे 3 ladies को मिला जिनके वजाइना की skin almost गल के बाहर आ रही थी, because उन्होंने कुछ experiments किए थे, उनके husband के साथ उनके relations अच्छे नहीं थे और sexual gratification के लिए उन्होंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया और उनकी वजाइना बहुत बैडली डैमेज हो गई। मुझे उनको एडमिट करके IV ट्रीटमेंट्स देने पड़े और वजाइना रिपेयर होने में अभी भी काफ़ी समय लगने वाला है। तो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, ब्रेस्ट आपका सेंसिटिव टिश्यू है, सॉफ्ट स्किन है, सिमिलरली वजाइना एक पर्सनल और इंटरनल ऑर्गन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसके साथ विदाउट डॉक्टरी सलाह आप प्लीज़ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। और कोई भी क्रीम्स अगर इफ़ेक्टिव हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे, बट एज फार एज माई नॉलेज गोज, अदर देन द लोकल ईस्ट्रोजन एंड ल्यूब्रिकेटिंग जेलीज, नथिंग मच वर्क्स ऑन द वजाइना। सो टाइटनिंग के लिए, ब्रेस्ट टाइटनिंग के लिए या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए या फिर वजाइनल टाइटनिंग के लिए क्रीम्स आती हैं, लुब्रिकेंट्स वर्क करते हैं क्योंकि वो स्मूथ कर देते हैं दो सर्फेसेस को आपस में फ्रिक्शन बिना मूव करने के लिए, बट अदर देन दैट फॉर टाइटनिंग क्रीम्स डोंट वर्क, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया ये टिश्यू का डैमेज हो रखा है, तो वो इंटरनल लेवल पे उस लेवल तक कोई क्रीम जाए और वो काम करे ऐसा मुश्किल ही है। स्टिल आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या अकॉर्डिंग टू कंसर्न अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलकर ज़रूर अपना कंसर्न डिस्कस करिए। देर इज़ डेफिनेटली सॉल्यूशन to both your problems and you really deserve to have a good life. Thank you for watching this video.